दोस्तों डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। पिछले व्लॉग में हमने आपको सुल्तानगंज अगवानी घाट फोर लेन ब्रिज के बारे में बताया था। इस व्लॉग में हम आपको बाबा अजगैवीनाथ के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों सुल्तानगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी तीन रास्ता निकल रहा है। एक रास्ता जो अभी ये जो हम इधर से जा रहे हैं ये भागलपुर की ओर से जाती है और ये जो दाहिनी तरफ रोड जा रही है वो आप देख सकते हैं, ये जो दाहिनी तरफ रोड जा रही है जो ऑटो लगी हुई है वहाँ, वो रास्ता पटना की ओर जाती है और ये जो सीधा रास्ता जो लेफ्ट से अभी जो गाड़ियाँ जा रही है ये देवघर की ओर जाती है, देवघर तारापुर। और अभी जो हम इस रास्ते पर खड़े हैं ये पीछे से ये भागलपुर की ओर से आती है। तो यहाँ से हम समझते हैं चीज़ों को, ये जो बस जो अभी जा रही है ये तारापुर होकर देवघर की ओर जाएगी और ये जो दाहिनी तरफ सड़क जा रही है यह मुंगेर होकर पटना की ओर जाएगी जो कि NH-80 का एक पार्ट है। और ये जो रास्ता अभी पीछे से आ रही है ये भागलपुर की ओर जाएगी। ये सुल्तानगंज का रहा है, ये जो रोड जा रही है ये मुंगेर की ओर जाएगी और ये सड़क जो है वो गंगा घाट की हो जाएगी और ये जो सड़क है ये भागलपुर की ओर जाती है। ये बाबा अजगैवीनाथ से लगा हुआ बाजार है, आप देख सकते हैं यहाँ कांवर को जो ले जाते हैं लोग उससे सजाने से संबंधित और सारा सामान सहित और कपड़े भी मिल रहे हैं। सावन महीने में तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ खास दुकानदारी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये पीक सीज़न नहीं है। तो अभी हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो इससे रिलेटेड हमें जानकारी देंगे कि यहाँ कब जो है वो पीक सीज़न रहता है और क्या यहाँ पे सालों भर कांवर लेके लोग जाते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दुबे जी। पूरा नाम दुबे जी। दुबे जी, चलिए ये बताइए यहाँ जो अभी हम देख रहे हैं कांवर से रिलेटेड अभी सारा सामान बिक रहा है, कपड़े बिक रहे हैं, तो ये सालों भर इसकी बिक्री होती है या फिर कोई पर्टिकुलर महीना है जो जैसे सावन में तो ज्यादातर भीड़ रहती है यहाँ? सावन भादो आसिन तीन महीना भीड़ रहती है और बाकी अंधीना थोड़ा बहुत चलते रहता है, सालों भर चलता है। तो मतलब सालों भर यहाँ से लोग कांवर लेके जाते हैं। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों सुल्तानगंज आए और हम ये अजगैवीनाथ बाबा के दर्शन ना करें तो ये बिल्कुल अनहोनी जैसी बात हो जाएगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अजगैवीनाथ मंदिर। पहले ये मंदिर जो है वो गंगा के बीच हुआ करता था लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये PCC रोड बन चुकी है यहाँ, तो गंगा हमसे कितनी दूर हो जा रही है। देखिए ये ब्रिज भी बना हुआ है, जब यहाँ बारिश के समय में मुझे लगता है यहाँ पानी भर जाता होगा तो इसके लिए ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। पहले जब हम लोग आते थे यहाँ पे, मैं भी आ चुका हूँ यहाँ कांवर लेके यहाँ से बाबा धाम जाने के लिए, तो ये जो बाबा अजगैवीनाथ होते थे उस समय गंगा के बीचों बीच हुआ करते थे और एक यहाँ से नाव चलती। तो ये है वो नज़ारा जब बाबा का मंदिर जो है वो पानी के बीचों बीच हुआ करता था, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कन्याकुमारी जैसा लग रहा है। अभी फिलहाल बाबा से गंगा दूर चली गई है तो अभी हम चलेंगे बाबा के दर्शन करने, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाबा अजगैवीनाथ के दर्शन करने और ये बाबा अजगैवीनाथ का मंदिर। तो ये हैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा सुल्तानगंज
महंत स्थापति स्थानापति श्री प्रेमानंद गिरी महाराज, उनके द्वारा जो है ये अजगैबीनाथ का मठ बताया जा रहा है, जबकि हम लोग इसे भगवान शिव के मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य मंदिर है, ये पूरा मंदिर परिसर। तो मंदिर पहुंचने का ये जो है प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं यहाँ भगवान गणेश विराजमान है द्वारपाल के रूप में। चलिए अब हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने। बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन करें आप। ये भी एक द्वार है, प्रवेश करिए। मठ जाने का जो रास्ता अभी हमने आपको दिखाया, ये इधर से ही निकलते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर से जो गंगा का गर्म प्रवाह देखते हैं तो काफी सुंदर नजारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बेहतरीन नजारा। ये बाबा का मुख्य मंदिर और ये पूरा मंदिर परिसर है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बाबा अजगैबीनाथ के इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसी इस मंदिर की स्थापना हुई है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।